हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैंटारो के टीडीएस को कैसे एडजस्ट करते हैं। डब्ल्यूएचओ की माने तो हमारे पानी में 500 से कम जो टीडीएस है वो सही है, पर बहुत सारे केमिकल आते हैं, उस वजह से हमें टीडीएस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए और थोड़ा सा और कम चाहिए। पर फिर भी हम जितना अगर इसका टीडीएस लेवल घटा देते हैं तो कुछ मिनरल्स भी वाश हो जाते हैं, पानी से निकल जाते हैं, जिससे वो पानी हमारे लिए सेहतमंद नहीं रहता। तो अभी एक आरओ है, मोस्टली हम घरों में 100 के आसपास टीडीएस रखते हैं, यानी कि 17, 18 या 90 ऐसा टीडीएस हम रखते हैं। तो हम इस आरओ का टीडीएस रखाएंगे, बट मेरा मानना है कि टीडीएस थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए, तो करीबन 150 से 200 हम टीडीएस इसका आज बनाएंगे। फिलहाल हम चेक करते हैं अभी इसका टीडीएस लेवल क्या आ रहा है। तो इन सब सेटिंग के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, जिसको बोलते हैं टीडीएस मीटर। कुछ इस तरह से ये टीडीएस मीटर होता है हमारे पास, ये मार्केट में मिल जाता है, 150-200 रुपये की आइटम है। इस टीडीएस मीटर्स को जैसे ही हम ऑन करेंगे, इसमें बटन है, तो यहाँ पर ये यहाँ पे रीडिंग आ रही है 0, क्योंकि अभी तक इसमें है ही नहीं कुछ भी। तो इसके कैप्स को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होता है, जिसको पानी में डालेंगे तो टीडीएस लेवल आना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं, तो ये हमने टीडीएस मीटर्स को ऑन कर लिया और ये हमारे पास पानी है इसके कैप में, और हम इसको इसके अंदर प्रेस कर देंगे तो हमारे पास टीडीएस लेवल आ जाएगा। तो ये हमारा टीडीएस लेवल है 147, 146। तो ऑलरेडी हमारा टीडीएस इतना है जितना हमें चाहिए था, तो हम इसके एडजस्टमेंट नहीं करने जा रहे, पर फिर भी हम इस वीडियो को बना रहे हैं, हम आपको दिखा देंगे कि ये एडजस्टमेंट कैसे हो गए। तो अभी हम देखते हैं, अगर हमें ये घटाना या बढ़ाना होता तो हमें कहाँ पे जाना था, तो हम आपको दिखाते हैं इसको करके। तो भारी है, पकड़ गया, इसको आराम से रख दिया, कांच का ही टूट ना जाए, आराम से रख ले नीचे। तो कवर हटाने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है आरो। यहां पर देखिए एक स्क्रू लगा हुआ है, ये वाला, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टीडीएस लेवल कम हो जाएगा, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टीडीएस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से आप टीडीएस का लेवल निकाल सकते हैं। तो पर इसमें एक प्रॉब्लम और है, इस टैंक में जो पानी है वो पुराने टीडीएस का ही होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, आप आरओ को एक बार ऑफ कर दीजिए। ये हमारे सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं, ये यूवी के लिए, ये कार्बन फिल्टर, नीचे सेगमेंट फिल्टर, ये हमारी क्या बोलते हैं इसको, नाम ध्यान नहीं आ रहा, इसको बोलते थे मेम्ब्रन कार्बन फिल्टर, इसके बैक साइड पे सेमी कार्बन सेगमेंट फिल्टर, फिर ये यूवी, ये हमारी पंप, और ये फ्लो जो वेस्टेज पानी का फ्लो एडजस्ट होता है, ये दो छोटे वाले मिनरल और यूवी के लिए। तो जो ये यूवी के बाद ये जो पानी यहां से टैंक में जा रहा है, हम इसको अनप्लग कर लेंगे। हम यहां से जो पानी हमारा टैंक में जा रहा है उसको हम यहीं पर
रिलीज कर लेंगे बाहर आउटर पर ही। ये राजे, ये पाइप मैंने, जो ये पानी टैंक में जा रहा था इसको हमने यहीं पर रिलीज कर लिया है बाहर ही। तो यहीं पर हम दोबारा टीडीएस लेवल इसका अब हम आरओ को ऑन करेंगे तो इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा। आरओ कुछ देर लेती है इसकी मोटर्स, ये पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम दोबारा इसका टीडीएस लेवल एक बार फिर चेक करेंगे। ये हमारा टीडीएस मीटर है, जरूरी नहीं है आप टीडीएस मीटर के कैप में ही पानी ले, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पानी ले सकते हैं। ये हमारा टीडीएस मीटर को हमने अनलोड कर दिया, जीरो आ रहा है, ये पानी आना शुरू हो गया। किसी भी बर्तन में जिसमें आप इसको डुबो सके वहाँ आप टीडीएस लेवल देख सकते हैं। तो हम अभी एक छोटी सी कोई साफ बर्तन लेते हैं, छोटा सा, इसमें हम इतना पानी लेंगे क्योंकि यहाँ पे पानी बड़ा स्लो आएगा क्योंकि ये फिल्ट्रेशन पानी आएगा। तो ये देखिए आपके सामने हम इस पानी को ले रहे हैं, इस तरह से आपका पानी फिल्टर होता है। वेस्टेज पानी का स्पीड हमेशा ज़्यादा होता है, फिल्टर पानी का स्पीड हमेशा कम रहेगा। इस गिलास को हमें इतना पानी लेना है कि ये हमारा टीडीएस मीटर का ये वाला हिस्सा ये डूब जाए। इतना पानी हमारे पास आ चुका है, तो ये हमारा टीडीएस मीटर है, इसमें जीरो रीडिंग आ रहा है और ये हम इस गिलास में डुबो देते हैं। अभी टीडीएस मीटर रीडिंग लेने के लिए ये स्टैंड बाय में जाके ऑफ हो गया, तो टीडीएस मीटर रीडिंग ले रहा है 157 रीडिंग आ रही है। अभी हम उस स्क्रू को घुमाएंगे, इसके लिए हमें एक बड़ा पेचकस चाहिए, इस पेचकस की मदद से हम इस स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। इससे थोड़ा सा टीडीएस लेवल और इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमारे पास पहले ही 150 का टीडीएस आ रहा है, अभी बढ़ जाएगा। तो उस टीडीएस लेवल को देखने के लिए हमें इसको 5-10 मिनट देने होंगे। वो इसलिए कि जब भी हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो इसके जो इंटरनली फिल्टर्स हैं उनमें भी कुछ लेवल पे पानी स्टोरेज रहता है। ये हमारी पुरानी रीडिंग, एक बार चेक करने से पहले मीटर को ऑन ऑफ करेंगे और नई रीडिंग के लिए होल्ड कर देंगे। तो देखिए इमिडिएटली भी कुछ टीडीएस लेवल बढ़ गया है, 160। ये और भी बढ़ जाएगा अभी थोड़ी देर में, जैसे ही ये 5-10 मिनट में इसका इंटरनली फिल्ट्रेशन सिस्टम में से पानी फिल्टर हो जाएगा। तो अगर ये टीडीएस लेवल जैसे 160 आ रहा है, मोस्टली लोग 100 से कम ही रखते हैं, तो इसको अगर हम टाइट कर देंगे स्क्रू को, यानी कि क्लॉकवाइज, इसी स्क्रू को अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर देंगे ऐसे इस डायरेक्शन में, तो टीडीएस कम हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज टीडीएस बढ़ जाएगा। तो बस इतनी सी सेटिंग है जिसके जरिए आप अपने घर में ही अपने आरओ का टीडीएस एडजस्ट कर सकते हैं, उसे सेट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे रूटीन के वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।